धक्कादायक बातमी आहे। पंजाबच्या पठाणकोट मध्ये आर्मी कॅम्पच्या गेटवरती ग्रेनेड हल्ला झालेला आहे। दुचाकीस्वाराने त्रिवेणी गेटवरती ग्रेनेड फेकल्याची सध्या माहिती मिळत आहे। सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे पोलिसांकडून सध्या दुचाकीस्वारांचा शोध घेतला जातोय। पठाणकोट मध्ये पोलिसांकडून सध्या हाय अलर्ट देखील जारी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे पठाणकोट मधला हा सगळा धक्कादायक प्रकार आहे। आर्मी कॅम्पच्या गेटवरती ग्रेनेड हल्ला झालेला आहे। दुचाकीस्वार हे त्रिवेणी गेटच्या परिसरामध्ये आले होते। त्या दुचाकीस्वारांनी त्रिवेणी गेटवरती ग्रेनेड फेकल्याची सध्या माहिती मिळते। सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांकडून सध्या दुचाकीस्वारांचा शोध घेतला जातोय। या सगळ्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी एमबीपी सांजाचे संपादक जगविंदर पटियाल सध्या आपल्या सोबत आहे। जगविंदर सर जी, ये हमला जो है, ये हल्ला जो है, ये कब हुआ, क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, रात 12 बजे के आसपास की घटना है और मौके पर मौजूद संतरी ने ये बताया पुलिस को कि तकरीबन 12 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल आया और मोटरसाइकिल से किसी ने ग्रेनेड फेंका और जो ग्रेनेड दीवार के पास लगा, ये त्रिवेणी गेट की दीवार को इससे नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और उसके बाद ये सूचना मिलने के बाद पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची, आसपास हाई अलर्ट कर दिया गया है, नाकेबंदी की जा रही है और ये तलाशी भी ली जा रही है कि रात को कोई मोटरसाइकिल लावारिस तो नहीं छोड़ के गया है, ताकि घटना की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस पूरे हमले में जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं है, त्रिवेणी गेट के आसपास हुआ है। फिर एक बार मैं बता दूं आपको, त्रिवेणी गेट है पठानकोट कंटोनमेंट एरिया का और काफी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है ये, क्योंकि जब से पठानकोट एयरबेस पर आतंकी घुसे थे और दीनानगर आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड अटैक था ये, उसके बाद से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर काफी सुरक्षा थी। तो ये ग्रेनेड फेंकने के बाद जो है वो बाइक सवार भाग गया वहां से। अब पुलिस जो है आसपास के सीसीटीवी भी चेक कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी लावारिस मोटरसाइकिल के मिलने की वजह से ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार किसने ये दहशत फैलाने की कोशिश की है। पुलिस अभी तक यही मान रही है कि दहशत फैलाने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगर ये कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश होती तो इसकी प्लानिंग थोड़ी और बेटर होती। सो फिलहाल पुलिस के लिए टारगेट यही है कि किसी तरह से बाइक या बाइक सवार को ढूंढकर इस जांच को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंटोनमेंट एरिया पे इस तरह से ग्रेनेड फेंके जाने की ये बड़ी घटना है और इसको लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट किया है, आसपास के इलाके में छानबीन चल रही है। धन्यवाद जगविंदर सर जी, आपने दी हुई सारी जानकारी के बारे में। या सगळ्या घटनेबाबत पोलिसांनी नेमकी काय माहिती दिलेली आहे, काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे, आपण ती देखील जाणून घेणार आहोत। देखिए, अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसको हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।